भारतीय फिल्मों का विंटेज एरा, जिसे गोल्डन एज भी कहा जाता है, उस जमाने में दर्शकों ने अनगिनत अभिनेता और अभिनेत्रियां देखे थे। उन कलाकारों में वो भी थे जिन्हें तब तक स्टार कलाकार का दर्जा नहीं मिला था, पर कुछ कलाकार ने दो चार हिट फिल्मों में काम किया और दुनिया की नजरों से अचानक ही गायब हो गए। आज 70 साल गुजर जाने के बाद शायद कोई उन कलाकारों को पहचानेगा, क्योंकि समय के साथ उनकी पहचान भी मिट चुकी है। उन कलाकारों के सूची में एक नाम उस अभिनेत्री का आता है जिसे आपने दिलीप कुमार अभिनीत 1947 के फिल्म जुगनू के डांस सीक्वल में देखा था। वो गाना था लौट जवानी फिर नहीं आनी। डर गई गोपी, डर गई। बचपन गया नहीं है अभी, छोड़ो माँ जी क्या कहेंगे। बचपन गया नहीं अभी। अच्छा गोपी, गोपी तुझे याद है मैंने छल्ला दिया था तुझे, लोहे का छोटा सा छल्ला, बचपन की बात याद है। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त एंकर भैरवी मामनिया। स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। आज हम जिस अभिनेत्री के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो प्रसिद्ध कॉमेडियन गोप की पत्नी थी। उनका नाम है लतिका। अभिनेत्री लतिका का फिल्मी सफर थोड़े समय तक चला, पर उस कम समय के लिए भी वे काफी मशहूर थी। उनका परिवार फिल्मी गलियारों से काफी दूर था, फिल्मों से उनका दूर दूर तक रिश्ता नहीं था, पर परिस्थितियां ऐसे बनी कि उन्हें फिल्म जगत में आना पड़ा। असल में लतिका के तीन नाम है। लतिका नाम समेत उन्हें हुंगू लामो और अग्नेस भी कहा जाता है। आज लतिका इनमें से एक नाम के साथ इंग्लैंड में रहती है। वो नाम क्या है इसका खुलासा वीडियो के अंत में बताऊंगी। लतिका का जन्म दार्जिलिंग में 13 अक्टूबर 1924 को हुआ था। उनकी माताजी तिबेट से थी और पिताजी ऑस्ट्रेलियन थे। उस वक्त वे भारत में रहते थे और यहाँ के किसी एक महाराजा के शासन में लतिका के पिताजी हॉर्स ट्रेनर थे। उनके माता पिता बुद्धिजम में ज्यादा यकीन रखते थे, इसीलिए लतिका को उनका नाम हुंगू लामो मिला। पर जब लतिका छोटी थी तब उनके पिताजी गुजर गए, इसलिए माँ ने लतिका और छोटे बेटे को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। इस दौरान माँ ने दूसरी शादी की। इस बार लतिका के सौतेले पिताजी एक बड़े इंजीनियर थे जो ब्रिज का निर्माण करते थे। लतिका ने 12-13 साल बोर्डिंग स्कूल में बिताए, पर क्योंकि वो एक क्रिश्चियन मिशनरी संस्था थी इसलिए वहां के लोगों ने बुद्धिस्ट लतिका को क्रिश्चियन धर्म में बांट लिया और उन्हें अग्नेस नाम दे दिया। इसीलिए लतिका के सभी रिश्तेदार बुद्धिस्ट है और कुछ लोग क्रिश्चियन है। लतिका के दूसरे पिताजी को 4 बच्चे भी हुए जिनके साथ वे रहने लगी, पर काम के सिलसिले में लतिका के पिताजी को परिवार के साथ मुंबई बसना पड़ा। मुंबई आने के बाद लतिका की दोस्ती कुछ कथक डांसर और अभिनेत्रियों से हुई। कुछ समय के बाद फिल्मों के प्रति लतिका के मन में उत्साह निर्माण हुआ। एक दिन उन्होंने अपनी सहेली से स्टूडियो लेकर जाने की बात कही। सहेली ने लतिका को मिनर्वा स्टूडियो लेकर गई, जहां फिल्मकार सोहराब मोदी ने लतिका को देखा
और अपने एक फिल्म में काम करने का न्योता दिया। तो इस तरह लतीका की पहली फिल्म परख 1944 के साल में रिलीज हुई। इस फिल्म के रिलीज के दौरान सौरभ मोदी ने ही अग्नेश को लतीका ये हिंदू नाम दिया। आज भी दर्शक और मित्र वर्ग उन्हें लतीका इस नाम से जानते हैं। लतीका ने अपने फिल्मी सफर में कुल मिलाकर 12 फिल्में किए, जिनमें से 1948 की गोपीनाथ फिल्म को अच्छी सफलता मिली। इस फिल्म में लतीका के हीरो राज कपूर थे। गोपीनाथ फिल्म के अलावा लतीका ने अन्य फिल्मों में भूमिकाएं निभाए। उन फिल्मों के नाम है डॉक्टर कुमार जो 1944 में आई थी, 1946 की लाट साहब, 1946 की साथी, 1947 की जंजीर, चलते चलते 1947 और मंजूर 1949। 1948 के साल में लतीका की मुलाकात प्रसिद्ध हास्य कलाकार गोप से हुई। फिर जल्द ही मुलाकात प्यार में बदल गई और 1949 में ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए। लतीका और गोप के विवाह समारोह में कई बड़े बड़े सितारों ने उपस्थितियां दर्शाई। जुहू बीच के सामने ही गोप का बड़ा घर था जहां लतीका रहने लगी। पर गोप नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी फिल्मों में काम करे, इसलिए शादी के तुरंत बाद ही लतीका ने फिल्म जगत से संन्यास लिया। उनकी आखिरी फिल्म मंजूर 1949 में रिलीज हुई थी, पर लतीका की खुशियां 1957 तक ही सीमित रही। इस साल गोप के आकस्मिक मृत्यु के कारण उन्हें इंग्लैंड बसना पड़ा, जहां उन्होंने दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने अपना नाम लतीका से बदलकर फिर से अग्नेश कर लिया। आज के समय लतीका 97 साल में जी रही है और अपने पोते पोतियों के संग आनंदमय जीवन जी रही है।